Hello guys, welcome back to my channel Amaika, and today we are going to do the birthday haul video. So today I'm going to show you what all I bought for my birthday, and I was super excited, so I thought I should share this with you since I've seen a lot of videos on YouTube about birthday haul, and everyone likes birthday haul videos, so I thought I should make one for you guys. Because since I like shopping, मुझे bags खरीदने बहुत पसंद है, but I don't know, इस बार मैंने bags बिल्कुल नहीं खरीदे. This time I'm more inclined towards buying shoes. I don't know why, but अभी मेरे को shoes लेने का बहुत ज़्यादा craze चढ़ा हुआ है, so मैं हर मुझे कहीं पे भी मैं जा रही हूँ तो I'm liking shoes only, तो हर जगह से शूज उठा लेती हूँ मैं. तो अभी लास्ट वीक मेरे बर्थडे वीक में ही व्हेन आई वेंट टू स्टॉप शॉप, वहाँ से मैंने थोड़ी सी शॉपिंग करी थी और अपने बर्थडे के लिए भी बोल सकते हो, जनरल भी बोल सकते हो. सिंस वो बर्थडे वीक में शॉपिंग करी थी, तो इट्स काइंड ऑफ बर्थडे शॉपिंग ओनली. सो या तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपका आई एम गोना शो यू जल्दी जल्दी से कि क्या क्या मैंने शॉपिंग करी है. बहुत ज़्यादा नहीं करी है, बट थोड़ी सी करी है, वो आई एम गोना शो यू. एंड मैंने उनको बर्थडे पे गिफ्ट क्या मिला मयंक से, वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ. माय फर्स्ट शू का जो पेयर है वो है बेसिकली ये मैंने खरीदे हैं. मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे क्योंकि थोड़ा ट्रांसपेरेंट सॉर्ट ऑफ है, एंड मैंने ये पहनना भी स्टार्ट कर दिया है. सो ये ट्रांसपेरेंट है, एंड ये जो कलर है मुझे ये काफ़ी डिफरेंट लगा. मेरे शू कलेक्शन में नहीं था अभी तक, तो मैंने जब देखा तो आई लाइक इट, एंड ट्रांसपेरेंट स्ट्रैप्स की वजह से आई लाइक इट मोर, एंड आई थॉट आई शुड बाय दिस वन. सो दिस इज द फर्स्ट पेयर दैट आई हैव बॉट. मूविंग ऑन टू अनदर पेयर दैट आई हैव बॉट इज दीज शूज. जैसे मैंने कहा था शूज मैंने बहुत खरीदे, तो आपको आइडिया लग गया होगा कि मैंने बहुत सारे शूज खरीदे. सो दिस इज द सेकेंड पेयर. ये अभी तक मैंने नहीं पहना है, अगर आप देख सकते हो कि अभी भी इसको एक टाइड अप है दोनों एक दूसरे के साथ, तो इन रिलेशनशिप विद ईच अदर. सो ये मैंने सेकेंड पेयर लिया है. इसका जो ये नीचे जो स्टड्स हैं, एक्चुअली मेरे पास ये वाला प्रिंट भी नहीं था, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये भी ले लेती हूँ. वैसे मैंने कभी ऐसे अतरंगे प्रिंट्स ट्राई नहीं किए, सो इस बार मैं कर रही हूँ. आई डोंट नो व्हाई, बट आई एम टेकिंग दिस चांस. सो लेट्स सी कैसा लगता है. आई एम गोना स्टाइल इट एंड देन आई विल पोस्ट पिक्चर्स आल्सो ऑन इंस्टाग्राम, सो यू मस्ट वॉच इट. मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. तो अगर आपको नहीं पता मेरे इंस्टाग्राम के बारे में कि कौन सा मेरा इंस्टाग्राम पेज है, तो आप उस लिंक को फॉलो करके मेरे इंस्टाग्राम तक पहुंच सकते हो. सो दैट इज द रूट टू माय इंस्टाग्राम. ये जो छोटी छोटी स्टड्स हैं इसकी वजह से आई लाइक इट मोर, सो आई थॉट आई शुड बाय दिस. सो या एंड देन अनदर पेयर. सो दिस अनदर पेयर इज आल्सो दीज बूट्स ओनली. ये कलरफुल बूट्स हैं, काफी ज्यादा फ्लोरल प्रिंट है इस पे. अगर आप इसको अच्छे से देखना चाहते हो, आई विल शो यू. इसकी हील्स पे भी एक्चुअली पूरा फ्लोरल प्रिंट है. जो स्टफ है वो वेलवेट है, एंड इट्स वेरी सॉफ्ट, एंड आई डोंट नो व्हाई आई बॉट दिस, बट आई लाइक्ड इट एंड आई थॉट ले लेते हैं. थोड़ा स्टाइल करेंगे इसको अच्छे से और फिर पिक्चर्स डालेंगे. सो या दिस इज द सेकेंड थर्ड पेयर. नेक्स्ट पेयर इज व्हाट आई लाइक द मोस्ट इज दिस पेयर. सो ये एक्चुअली हील्स भी है, तो मतलब अगर सिंगापुर के वेदर में भी अगर मैं डाल रही हूँ तो मतलब मैं डाल सकती हूँ इसको कम्फर्टेबली, और मैं ड्रेसेस के साथ भी इसको पहन सकती हूँ आई थिंक. या सो इट्स क्वाइट नाइस. अगर आप आगे से भी देखोगे तो इट्स प्रीटी गुड. सो आई लाइक व्हाट आई बॉट. तो ये है मेरा फोर्थ पेयर, मुझे बहुत अच्छी लगी. ये भी स्टाइल मेरे पास नहीं था, तो इसलिए मैंने सोचा कि ले लेते हैं. और ये टैसल्स इसके बहुत अच्छे हैं, सो आई लाइक इट. एंड देन मैंने कुछ एक्सेसरीज भी ली हैं, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ. ये इयर रिंग्स लिए मैंने लोविसा से, मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे. एंड सिंस काफ़ी सारे इंडियन फेस्टिवल्स भी आने वाले हैं, जैसे दिवाली एंड ऑल, तो आई थॉट जो भी ट्रेडिशनल वेयर है उसके साथ ये काफ़ी ज़्यादा चलेंगे. तो अगर मैं कुछ ब्लू कलर का डाल रही हूँ, दिस गोज वेल विद दैट पर्टिकुलर ड्रेस मे बी. सो दिस इज व्हाट आई हैव बॉट.
देन आई बॉट दीज सेकेंड पेयर इज दिस वन जो पिंक अच्छा लग रहा था. मुझे लगा कि ये किसी ना किसी आउटफिट के साथ तो डेफिनेटली जाएगा, तो इसलिए मैंने ले लिया कि अच्छा लगेगा, चलो ले लेते हैं, तो एक्सेसराइज करेंगे इसको भी किसी दिन. सो आई बॉट दिस वन. देन अनदर पेयर इज, ये काफी ज्यादा अच्छा है. ये जो इयर रिंग्स है मुझे काफी ज्यादा अच्छे लगे. सो दिस इज व्हाट आई बॉय. आई थिंक ये स्टेटमेंट इयर रिंग्स बन सकते हैं अगर आप कुछ और नेक वेयर नहीं डालना है, सिर्फ इयर रिंग्स डालने हैं, तो उसके साथ ये काफी अच्छा चलेगा. तो इट्स प्रीटी नाइस. वेस्टर्न ड्रेस के साथ भी चल सकते हैं. दैट्स व्हाई आई लाइक दीस. सो आई थॉट आई शुड बाय दिस वन. सो मैंने ये टॉप लिया है. आजकल ये काफी ज्यादा इन है इस स्टाइल का टॉप. तो ये जब मैं पहनूंगी देन आई क्लिक पिक्चर्स एंड देन आई पोस्ट इट ऑन इंस्टाग्राम. तो आप इंस्टाग्राम पे जाके आप देख सकते हो मैंने इसको कैसे पहना है या कैसे एक्सेसराइज किया है. तो आई थिंक आई एम श्योर अभी तो पता नहीं चल रहा होगा कि कैसे लिया है, बट ले लिया. सो या एंड देन एक और टॉप लिया है. बाय द वे दैट टॉप इज ऑल्सो फ्रॉम टॉपशॉप. सो या देन मैंने लिया है ये एक और टॉप. ये भी काफी अच्छा लग रहा था मुझे एक्चुअली. इसकी अगर आप स्लीव देखोगे तो काफी क्यूट है. तो ये काफी ज्यादा मुझे अच्छी लगी एंड इसके बटन मुझे काफी क्लासी लगे. एंड ओवरऑल द लुक ऑफ दिस टॉप वाज प्रीटी नाइस. सो आई थॉट आई शुड बाय दिस वन. दिस इज फ्रॉम बॉसी. सो यार ये मैंने लिया है बॉसी से. मूविंग ऑन टू अनदर प्रोडक्ट. ये मैंने लिया है एक जीन्स और जो मायक ने मुझे गिफ्ट किया था वो आई थॉट आई शुड शेयर इट विद यू गाइस कि वो क्या है. दैट इज दिस वॉच. ये कोच की वॉच है जो मायक ने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट करी है. एंड आई एम श्योर मैं अगर जाती तो मैं नहीं लेके आ पाती ऐसी वाली वॉच, बिकॉज मुझे बहुत ही वाइब्रेंट मुझे अच्छी लगती है. तो मुझे एक ना वाइन कलर की वॉच मुझे बहुत पसंद थी और एक गोल्डन कलर की मुझे वॉच बहुत पसंद थी. तो अगर मैं जाती तो शायद मैं वो वाली लेकर आती, कि मेरा ध्यान ही नहीं जाता इस पर. बट जब मयंक लेकर आया व्हेन आई ओपन्ड इट आई वाज लाइक वाओ दिस लुक्स नाइस. यही बात मैंने मयंक को भी बोली कि अगर मैं जाती तो आई डोंट थिंक कि मेरा ध्यान भी जाता है इस पर. सो दिस इज द वॉच दैट मयंक हैज गिफ्टेड मी. इट्स वेरी नाइस. मुझे ये अच्छी लगी. यूजुअली मुझे किसी की चॉइस ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, बट मयंक की मुझे चॉइस ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी. ये था मेरा बर्थडे गिफ्ट बाय मयंक. एक चीज़ और आई वॉन्टेड टू शो यू ऑल जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, दैट इज दिस लाइट बॉक्स. इट सेज हैप्पी बर्थडे आशना. मुझे काफ़ी टाइम से ऐसा कुछ चाहिए था प्रॉप बॉक्स जिसमें मैं कुछ भी अपने अकॉर्डिंगली लिख सकती हूँ. तो आई फाइनली गॉट दिस. सो या दैट वॉज अबाउट टुडेज वीडियो एंड आई विल सी यू इन अनदर वीडियो नेक्स्ट वीक. बाय.